झारखंड के हर जिले में समय समय पर रोजगार मेला का आयोजन किया जाता है। इस रोजगार मेले में उम्मीदवारों को अपने योग्यता के अनुसार नौकरियां दी जाती है, लेकिन बहुत लोगों को जानकारी नहीं होता है तो वो इन्हें मिस कर जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड सरकार के रोजगार पोर्टल पर कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ताकि हमें समय समय पर कौन सी नौकरियां आ रही हैं, उनकी योग्यता क्या है, सैलरी स्लैब क्या होगी, किस जिले में रोजगार मेला का आयोजन होने वाला है, इनकी अपडेट्स हमें मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। झारखंड सरकार के रोजगार पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको थर्ड में एक ऑप्शन मिलेगा, न्यू जॉब सीकर, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको फर्स्ट में अपना मोबाइल नंबर दे देना है, देन इस सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, ओटीपी आपको यहाँ पर डाल लेना है, देन इस वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के बाद आपको एक कंप्लीट फॉर्म खुल करके आ जाएगा। तीन स्टेप्स में आपको फॉर्म फिल कर लेना है। पहला में है पर्सनल डिटेल्स, दूसरा में एड्रेस डिटेल, तीसरा में क्वालिफिकेशन डिटेल। इसके बाद आप यहां पर देखेंगे, फर्स्ट में आपको रजिस्ट्रिंग डिस्ट्रिक्ट क्या है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन आपके जिले में जितने भी रजिस्ट्रिंग एक्सचेंज होंगे वो आपको लिस्ट में देखने के लिए मिल जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपके सामने होगा आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको फोटो अपलोड कर लेना है। अलाउड आपको PNG, JPG है। फाइल का साइज 25 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। आधार नंबर यहाँ पे डाल लेना है, इस चेकबॉक्स पर क्लिक कर देना है, यानी कि आप कंसर्न दे रहे हैं झारखंड गवर्नमेंट को। उसके बाद आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, फर्स्ट नेम आप यहाँ पे डालेंगे, मिडिल नेम है तो आपको यहाँ पे डाल लेना है, लास्ट नेम आप यहाँ पे डालेंगे, आपका ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डाल देना है, देन आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, आपको फादर का नेम यहाँ पे डाल लेना है। नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, मदर नेम आप यहाँ पे डाल देंगे, देन आपकी जेंडर क्या है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। आपकी सोशल कैटेगरी क्या है, जैसे कि जनरल, OBC, ST, AC, BC1, BC2, EBC, जो भी होगा आप उस पर सेलेक्ट कर लेंगे। देन इसके बाद आपकी रिलीजन क्या है आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी मार्शल स्टेटस क्या है, जैसे कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड है, आपको सेलेक्ट कर लेना है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। यदि आपके व्हाट्सएप नंबर है तो आप यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपका कोई स्पाउस नेम है तो आप यहाँ पर दे देंगे। पूछा जाएगा आर यू माइग्रेंट वर्कर, यानी कि झारखंड राज्य से बाहर में काम करते हैं, तो यस करेंगे, अदरवाइज इस नो वाले ऑप्शन पर क्लिक रहने देंगे, देन इस नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद आप एड्रेस के सेक्शन में आ जाएंगे। फर्स्ट में आप यहां पर देखेंगे, यदि आप रूरल एरिया से आते हैं यानी कि ग्रामीण इलाके से आते हैं तो रूरल पर सेलेक्ट करेंगे, यदि आप शहरी इलाके से आते हैं तो आप शहरी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। आपको स्ट्रीट, फ्लैट नंबर, मोहल्ला का नाम जो भी है आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। आपकी शहर का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है, स्टेट आपको यहाँ से सेलेक्ट कर देना है, देन आप डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे। पिन कोड क्या है आप यहाँ पर डाल लेंगे, अर्बन लोकल बॉडी UL आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी एरिया आपका पड़ता होगा। देन आपकी वार्ड नंबर क्या है आप वहां से अपना वार्ड नंबर सेलेक्ट कर लेना है। आपका पोस्ट ऑफिस क्या है आप यहां पर से सेलेक्ट कर लेंगे। देन आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, यहां पर आपको मिलेगा परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि आपकी जो परमानेंट एड्रेस है वो सेम है, तो आप यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, अदरवाइज आप इसे अनचेक करेंगे और आपकी जो परमानेंट एड्रेस होगा आप इसे यहां पर फिल कर देंगे। हमारे केस में परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो हम इस पर क्लिक रहने देंगे, देन नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। एजुकेशन लेवल क्या है आप यहां से सेलेक्ट कर लेंगे, यदि आप अनस्किल्ड हैं तो अनस्किल्ड पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ITI किए हैं तो कर सकते हैं, डिप्लोमा होल्डर है, 10th है, 12th है, ग्रेजुएट है, आप जो भी होंगे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर देंगे। एग्जाम पास्ट में आपको यहां पर सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, आपकी स्ट्रीम क्या थी आप यहां पर सेलेक्ट कर देंगे। बोर्ड यूनिवर्सिटी आपकी क्या है आप यहां पर से देख लेंगे। हमारा जो बोर्ड है वो झारखंड एकेडमिक काउंसिल था तो हम लोग उस पर सेलेक्ट कर लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग आपका जो भी बोर्ड होगा आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। पासिंग ईयर आपकी क्या है आप यहां पर से सेलेक्ट करके आपको डाल देना है। देन आपकी परसेंट क्या थी एग्जाम में आपको यहां पर से डाल देना है। देन आपसे यहां पे बोला जाएगा इज मैन क्वालिफिकेशन, तो आपकी ये मैन क्वालिफिकेशन है तो आपको यहां पर यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, देन इस एड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे।
इसे करते ही आपकी जो मेन क्वालिफिकेशन है यहाँ पर ऐड हो जाएगा। आपको नीचे की ओर स्क्रॉल कर लेना है। आप यहाँ पर अपना पासवर्ड रख लेंगे, उसके बाद आप कंफर्म पासवर्ड करेंगे, इसके बाद इस डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, देन इस फाइनली सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको स्क्रीन पर यहाँ पर शो हो रही है। आपको इस डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करके एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर लेना है। आपकी एम्प्लॉयमेंट कार्ड यानी कि रसीद डाउनलोड होकर के आ जाएगा। आपको इसे प्रिंट आउट निकाल लेना है। आगे से आप जब भी रोजगार मेले में जाएंगे तो आपको ये वाला वहाँ पर दिखाना। वापस आने के बाद आप यहां पर देखेंगे क्लिक हेयर टू लॉगिन, तो आपको लॉगिन करके एक बार चेक कर लेना है। लॉगिन पेज पर आ जाने के बाद आपका यूजर नेम आप यहां पर डालेंगे, देन आपने जो पासवर्ड सेट किया था आप यहां पर डालेंगे, देन इस साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। हमारे वीडियोस पर आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव चीज़ें देखने के लिए मिलेंगे। आप मनी सेविंग कर सकते हैं हमारे वीडियोस को देख करके। डिफरेंट कैटेगरी के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जैसे कि पैन कार्ड सरेंडर, गन की लाइसेंस कैसे लेना है, वोटर कार्ड कैसे बनता है, आधार कार्ड कैसे बनाया जाता है, ऑनलाइन FIR कैसे किया जाता है, प्रधानमंत्री को कैसे संपर्क करें, राष्ट्रपति को कैसे संपर्क करें, मुख्यमंत्री को कैसे संपर्क करें, कंज्यूमर कोर्ट में कैसे केस कर सकते हैं, जितने भी ऑनलाइन चीज़ें हो सकती है वो सारी चीज़ें मैंने अपने वीडियो के माध्यम से अपने चैनल पर बनाते रहता हूँ। देन आप डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अप्लाइड जॉब्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, कंपनी हायर्ड आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, जो भी जॉब्स आते रहेंगे वो सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। इस वाले ऑप्शन पर आएंगे तो आपकी जो रोजगार की सर्टिफिकेट है वो आप इसे यहाँ से बार बार डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से आपका रोजगार बार बार डाउनलोड हो जाएगा। देन आपको लास्ट में एक ऑप्शन दिखेगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। देन आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसे कि रेसिडेंशियल डॉक्यूमेंट, बैंक का पासबुक, रिज्यूमे, डिस्प्लेस्ड, हैंडीकैप्ड है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे आपको यहाँ पर से अपलोड कर लेना है। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लेने से झारखंड में कौन कौन से नए रोजगार आने वाले हैं, कब कौन से जिले में रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा, वो सारी कुछ आपको यहाँ पर अपडेट्स मिलता रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि और लोग भी अपने नॉलेज में कुछ नया गेन कर पाएंगे। मिलते हैं आपसे आगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।